अस्सलामुअलैकुम। रसोई की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ में बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि अरबिक है। ये अरबिक स्ट्रीट फूड जो पे जो है वो ब्रेकफास्ट जो बनता है ये वो हम बनाएंगे आज, अरबिक स्ट्रीट फूड ब्रेकफास्ट। तो ये एक ज़बरदस्त सा पराठा बनेगा। सबसे पहले देखिए, मैंने ये 2 कप के करीब मैदा ले लिया है प्लेन फ्लावर, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये 1 कप के करीब मेरे पास जो है ये नॉर्मल जो आटा होता है हमारा रोटी वाला वो है, ये इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैं इन दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। आप जो है सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये मेरे पास 1 कप के करीब नीम गर्म दूध है। इसमें जो है मैं मिलाऊंगी, देखिए ये 1/2 टीस्पून चीनी है, ये 1/2 टीस्पून नमक है। ये दोनों चीज़ें इसमें मिला देंगे। और ये 1/4 टीस्पून जो है ये बेकिंग पाउडर है, ये भी मिला देंगे इसमें। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें जो है 2 से 3 टेबल स्पून जो है हम इसमें ऑयल मिला देंगे। ये देखें, ये मिला दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर की मदद से जो है वो अपना आटा गूंथेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से अच्छी तरीके से आटा भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये आटा हमारा भून गया है अच्छा सा। अब हम करेंगे ये कि इसमें थोड़ी सी यहाँ पे ऑयल 1 से 2 स्पून के बराबर, 3 स्पून के बराबर इसमें ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ऑयल लगा के इसको ग्रीस करेंगे और अच्छी तरीके से अपने आटे को जो है वो ऐसे करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। और हम अब तक अपने दूसरी चीज़ की तैयारी करते हैं, चिकन की। तो चलें इसको रेस्ट देते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि इस तरह का हमने एक पैन ले लिया, इस पैन ले लिया और फ्लेम को हमने मीडियम रखेंगे। और इसके बाद हम अपने पैन में जो है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डाल देंगे। इस तरीके से ये ऑयल डाल दिए। उसके बाद ये देखिए, ये मेरे पास 200 ग्राम जो है ये चिकन है बोनलेस इस तरीके की, ये मैं इसमें लेकर डाल दूंगी। वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। मेरे लिए हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। मुझे देखते हैं, ये 1/2 टीस्पून नमक है, ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून पेपरिका का पाउडर है, आपको आपके पास नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर डाल लें, ये 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून जो है मेरे पास गार्लिक पाउडर है, आपके पास नहीं है तो आप लिक्विड भी डाल सकती हैं, और ये 1/2 टीस्पून के करीब मेरे पास चिकन पाउडर है।
ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे, चलाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेंगे। इस तरीके से इसको चलाएंगे, उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस डाल देंगे। ये देखिए 5 मिनट तक इसे हमने पकाया है, हमारा चिकन गल गया है। ये देखिए चिकन बिल्कुल गल चुका है। हम अपना फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए हमारा आटा अच्छे तरीके से राइस हो गया है, ये बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसके जो है पीसेस करेंगे। देखिए इस तरीके से इसके 4 पेड़े बनेंगे। तो ये हमारे 4 पराठे बनके तैयार होंगे। मैं आपको इसके पेड़े बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का एक बटर पेपर ले लेंगे और विदाउट हम फ्लावर के अपना ये इसको बेलेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से प्रेशर देके इस तरीके से इस तरह से बेलेंगे। इस तरह से ये देखिए इस तरह करके हम चारों पेड़े अपने बेल लेंगे इस तरह करके। फिर आपको बताते हैं कि क्या करेंगे स्टेप। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह करके हमने बेल ली सारी 4 के 4 पेड़े। अब हम इसमें ये करेंगे कि इसमें हम लगाएंगे ना क्रीमी चीज़ लगाएंगे हम इसमें। ये देखिए इस तरीके से क्रीमी चीज़ लगाएंगे हल्का हल्का। ये लगा लिया हमने। उसके बाद हमने जो अपना चिकन बनाया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ के रखेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से चिकन अपना तोड़ के रखेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चिकन डाल दें। ये देखिए इस तरीके से चिकन अपना इसमें तोड़ के रखेंगे। ये चिकन रख दिया हमने। उसके बाद मेरे पास चीज़ है मोज़रेला चीज़, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। वो इस तरीके से हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से सब चीज़ डल गया। इसके बाद जो है हम अपना डोसा जो हमने बेला था पराठा वो लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे रखेंगे, इसको कवर कर देंगे पूरे को। ये ऐसे ये जो है ना इस तरह से प्रेस कर देंगे, ये किनारे ये ऐसे प्रेस करते जाएंगे। अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप फोर्क की मदद से भी कर सकते हैं। ये आप फोर्क ले लें और फोर्क की मदद से देखें इस तरीके से ऐसे ऐसे आप ऐसे भी कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप फोर्क की मदद से कर लें। ये देखिए इस तरीके से ये आपने फोर्क की मदद से इसका प्रेस करके इसको ये कर लें और फिर यहाँ से इसको ऐसे कर लें। ये आपने ऐसे ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये ऐसे कर देना है।
इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस तरह का एक पैन लेंगे, इसको हमने पहले से हाई फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब इसका फ्लेम हम बिल्कुल जो है वो स्लो कर लेंगे दम वाला, और इसके ऊपर इस तरह से उठा के अपना बटर पेपर के साथ हम रखेंगे पराठा अपना, उस वक्त तक जब तक ये थोड़ा सा हार्ड नहीं हो जाता है, उस वक्त तक रखेंगे। हार्ड हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं। ये हम इसको ऐसे ही रख देंगे, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, और इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है क्योंकि ये नॉर्मल पराठे से ज़रा ज़्यादा टाइम लेगा पकने में। ये देखिए 5 मिनट हो गए, ये हार्ड हो गया है। अब हम इसे आराम से जो है निकाल लेंगे ऐसे करके। ये देखिए हमने वो हटा लिया पेपर, अब हम एक तरफ से पकाएंगे और इसको बार बार ऐसे करके देखते जाएंगे कि ये जले ना। ये देखिए ये ऐसे कर लें, ये हो गया। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ये देखिए थोड़ा सा तरीके से इस तरह से कर लेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे बस। इसको बार बार ऐसे करके देखते जाएंगे कि ये जल तो नहीं रहा। तो ये देखिए इसको ऐसे पलट देंगे एहतियात के साथ, इसको दबा दबा के पकाएंगे। ये देखिए हमारे एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है, हम इसको दबा दबा के दूसरी तरफ से भी ऐसे खूबसूरत सा कलर लाएंगे और दबा के इसके साइड किनारों को हमें पका लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरह बन के तैयार है। अब हम इसको पिज्ज़ा कटर की मदद से इस तरह से काटेंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह इसे पराठे बन के तैयार हैं। अब आप चाहे इसको इस तरह से ये पीसेस में कर लें या इस तरह से कर लें, ये बिल्कुल तैयार है और गरम गरम में। तो ये देखिए किस तरीके से इसके ये देखिए ये इसका ये इस तरीके से ये हो रहा है। और मैं अगर आपको इस तरफ से दिखाऊं तो ये देखिए इसमें ये देखिए इस तरह से आप आराम से बना के बच्चों को लंच में दे सकती हैं, ताकि आराम से बच्चों को खाने में भी आसानी होगी। इस तरह पीसेस बना दें या विस्तार कर दें, आप लोग भी बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं ये। ये अरबियन स्ट्रीट फूड जो है उनका, उसका ये ब्रेकफास्ट है, तो बड़ा बहुत आसानी से बन जाएगा। वो भी बना के मुझे इसकी फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, फिर आऊँगी इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।